और अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली कांग्रेस के नेता सुभाष चोपड़ा ने उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने दावा किया है कि अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और शाम तक वो मीडिया से खुद बात करेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगने लगे कि कहीं वो पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, वो दूसरी पार्टी का दामन तो नहीं थाम रहे हैं। उसके बाद सुभाष चोपड़ा की प्रतिक्रिया सामने आई। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चोपड़ा। करीब 30 मिनट तक अरविंदर सिंह लवली से मिले, अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सर, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यही सवाल। नहीं, मैंने रीजन जानना चाहा कि व्हाट वाज द रीजन। ही सेड आई हैव रिटन टू एवरीथिंग टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट और जो मेरे ग्रीवेंसेस थे मैंने उनको लिख के भेज दिया। मैंने आई हैव नॉट गोन थ्रू द लेटर, तो मैं पढ़ूंगा उसके बाद ही जवाब। सर, दीपक बावरिया को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है, एक पॉइंट टिकट बंटवारे को लिखा है और उनको लूप में नहीं लिया जा रहा था। एक्चुअली आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं उसको, लेट मी गो थ्रू इट, देन आई विल लेट यू नो। सर, अभी इस्तीफा दिए हुए काफ़ी वक्त हो गया, क्या आला कमान ने कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, क्या वो इस्तीफा वापस ले लेंगे? आपको ऐसा लग रहा है, आप बात करके आए उसके बारे में? प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक एट 4 o'clock, तो वो अपने आप उसके बारे में। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की तैयारी है। एक ट्वीट आया सौरभ भारद्वाज का, वो उन्होंने इशारों में कहा है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट बदलने जा रही है पूर्वी दिल्ली से, इशारा संभवतः इस तरफ है। तो क्या लगता है बीजेपी जाएंगे दोबारा से, क्योंकि एक बार मेरे को नहीं लगता उन्होंने, अगर बीजेपी में जाना होता तो पार्टी से भी इस्तीफा देते। बीजेपी में नहीं जाएंगे आपको यकीन? मेरे को पूरी आला कमान से मिलने जाएंगे अभी? और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात के बाद संदीप दीक्षित का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने बड़ा दावा किया है कि अरविंदर सिंह लवली कई दिनों से परेशान थे और पार्टी नेतृत्व को इस पर ध्यान देना चाहिए था, ये उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीज़ों को लेकर आंदोलित हैं। उनको लगता है कि पिछले महीने दो महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी, हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा।